हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी कर रही थी मैं स्किन केयर। कल की बहुत थकान की वजह से आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। स्किन केयर करते समय आपको बता हुई हूँ, पर अच्छी फ्रेम आ रही नहीं रही थी और काला काला दिख रहा था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो अभी जा रहे हैं हम मंदिर जाके आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। मंदिर जाकर आ गई हूँ और अभी बना रही हूँ मैं खाना। खाने में आज बना रही हूँ दाल बाटी, जो कि चिकू को पता नहीं है और चिकू का आज व्रत है, तो मैं चिकू के लिए दाल बाटी बना रही हूँ। और मैं दाल बाटिया बाटी बना रही हूँ कुछ अलग टाइप से। शायद कितने जनों को तो पता होगा, कितने जनों को पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं पता है। मुझे भी मेरी बड़ी मम्मी ने सिखाया था, मेरी ताई जी ने। हमारे घर पर मेरे पियर में बाटिया इस तरीके से बनाई जाती है, यानी अंदर से खाली पोली बाटी बनाई जाती है। ऐसे अंगूठे का सपोर्ट लेते हुए अंदर गैप बनाना रहता है। इससे क्या होता है ना कि अंदर बाटी खाली रहती है तो अच्छे से पकती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो यही पसंद है और मैंने भी मेरी बड़ी मम्मी से ही सीखी है। तो दिखने में बड़ी बड़ी दिखेगी बाटी पर अंदर से बिल्कुल खाली होगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मुझे क्यों लगा कि मुझे ये सब चीज़ें, मैं ये चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि किसी किसी को काम भी आ जाए। शायद हो सकता है कितने जनों को बाटियाँ इसलिए ही नहीं भाती हूँ कि अंदर सारा आटा आटा लगता है, पर इसमें नहीं लगेगा, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली बाटियाँ। तो दाल बाटी, दाल चावल बन गए हैं। दाल का एक तरफ मसाला पक रहा है और बना देती हूँ। 12 बजने वाली हैं, अब से थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा शॉप पे, लेट करने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि अभी सीज़न है और लेट जितना जाऊँगी उतना मेरा ही काम डिले होगा। बाटी का कुकर ले आती हूँ, बाटी का कुकर रख देती हूँ गर्म होने के लिए। मैं तो तवा और छन्नी रखूँगी सोच रही थी, पर मेरे को तवा कहीं मिल नहीं रहा है बड़ा वाला। चलो हो जाएगा। मैंने कुछ जुगाड़ू बाटी का कुकर बनाया है, क्योंकि बाटी का कुकर ऊपर रखा हुआ है। मेरे फ़ोन आ रहा है। और चिकू की दाल बाटी है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट से बनाने की होती है, क्योंकि उनकी फेवरेट है ना, इसलिए। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि वो वाली बाटियाँ तो क्या फटाफट गोले ही बनाने हैं, पर इसमें दो बाटियाँ बनती है, इतने में एक बाटी बनती है। दाल बाटी बन गई है। चिकू को तो मैंने व्रत करने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि आज है उनका व्रत। और अभी मैं मेरे लिए भर देती हूँ, दो बाटियाँ इनफ, एक छोटी और एक बड़ी। और ये प्याज कट करी थी मैंने, इनफ यार, ठीक है। दाल तो मैं एक बार मेरी प्लेट पूरी जमा देती हूँ। मैं भी बैठ चुकी हूँ खाना खाने के लिए, और ये दाल, ये बाटी और लबालब घी और साथ में प्याज और नींबू, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बाद दाल बाटी खा रही हूँ, और चिकू तो खुश हो गए क्योंकि मैंने सरप्राइजली उनके लिए बनाया था। इसलिए खाना वगैरह खा लिया, अब चलते हैं शॉप पर, कस्टमर आ गए हैं। तो थोड़ा सा जल्दी रोमा, भागो 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 भागो। ये शॉप पर आ गई, शॉप पर था अभी काम और मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी। 4 बज गई हैं और अभी मैं जा रही हूँ आगे, एक और अभी अपॉइंटमेंट है थोड़ी देर बाद, तो इतनी देर में आगे देख के आती हूँ आगे क्या हाल है भाई। आज तो मैं पूरा दिन इतनी ज़्यादा बिजी थी, 1% फ्री नहीं रही। आज मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि आगे पीछे इतना काम था बहुत ज़्यादा। ये मामा का न्यू स्टॉक आया है और ये सब शुगर में भी जो न्यू वंडर वुमन्स के शेड आए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मस्त हैं एकदम। और ये तो मैंने आपको बताए थे, अभी न्यू सामरानी आई है अलग अलग फ्लेवर्स में, और ये गोकुल धूप आई है, और ये सारा अभी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
और बस ये सब है। अभी आ गई हूँ घर पर और बनाएंगे क्या खाना बनता है, क्योंकि थक जाते हैं ना यार, कुछ भी बनाने का नहीं होता, इच्छा नहीं होती कुछ भी बनाने की, पर जो जैसी भी भूख होगी वैसा खाना बना लेंगे। और क्या, थोड़ा कुछ खाऊं, मेरे को भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था इसलिए मैंने चिकू की वॉच पहन ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा बीपी थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, बट नॉर्मल था। मैं थोड़ा शायद स्ट्रेस में थी, थक गई थी इसलिए स्ट्रेस में थी, उस वजह से मुझे हो रहा था। तो मेरे लिए ये वॉच काफ़ी ज़रूरी है यूँ अब मुझे लग रहा है। पर आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मेरी किस्मत नहीं है घड़ियों को लेकर, पर कोई बात नहीं, नई बन जाएगी किस्मत, एक और ले आएंगे हम, अब ख़राब नहीं होने देंगे। ओके बाय, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में, और हाँ कल के व्लॉग में आपको कुछ अच्छा देखने मिलने वाला है। ओके बाय, आज की रात दिन पूरा सोचो क्या आने वाला है कल के व्लॉग में, मुझे भी तो पता चले मेरी ऑडियंस क्या गैस कर रही है। बाय, ज़्यादा नहीं।